पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, देख रहे हैं इंग्लिश 24। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने 12 मई को जो प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो है उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई इतिहास में पहली बार बिहार की धरती पर रोड शो करेंगे। पटना में आज तक इतिहास में कोई प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो नहीं किया। पहले आइए सुनते हैं सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। जी नमस्कार, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहब के लोकप्रिय उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, दानिश इकबाल जी, सम्मानित सभी मीडिया के साथीगण, आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाए और वो बिली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है, ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक में दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। आपने साफ तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो बिहार की धरती पर रोड शो किया हो, ये पहली बार हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जो 10 सालों में जो हम लोगों ने जो कार्य किया है, हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री मोदी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है 10 सालों में, उसको उसकी झलकियाँ जो है आपको रोड शो में सारी दिखाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डाक बंगला चौराहा होते हुए ये रोड शो होगा। हालांकि अभी समय नहीं बताया कि कितने बजे से ये रोड शो होगा, हालांकि ये स्पष्ट किया उन्होंने कि संध्या में ही रोड शो का आयोजन किया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री पटना की धरती पर, बिहार की धरती पर रोड शो कर रहे हैं। दोनों ही लोकसभा पटना साहिब और पाटलिपुत्र के सांसद भी मौजूद रहेंगे और सम्राट चौधरी खुद मौजूद रहेंगे। ऐसे में ये अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर 12 मई को रोड शो करते हैं, 3 फेज का मतदान हो चुका है, 4th फेज का अगले ही दिन, 4 मई को मतदान है, 7 चरण में मतदान होना है, तो ऐसे में पूरे बिहार में ये असर देखने को मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो कई महीनों में अहम माना जा रहा है। क्योंकि 2019 में उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, उसी रास्ते पर अमित शाह रोड शो किया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए अपने रहिए अग्निस्ट 24 पर। मेरे सहयोगी नंदन के साथ मैं संजय पटना।